हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे हरी मिर्चों का अचार, नए स्टाइल का हरी मिर्च का अचार। नॉर्मली हरी मिर्च का अचार तो हर घर में पड़ता है, मगर मैं जो अचार बताने जा रही हूँ वो बहुत ही अलग है, डिफरेंट है। ये है हमारी पूरी 1 किलो हरी मिर्चें। हम मिर्चों को इस तरीके से काट लेंगे। आप सोच रहे होंगे हम मिर्चों को इस तरीके से क्यों काट रहे हैं। एक्चुअली में जब पूरी पूरी मिर्च का अचार डाला जाता है तो स्पेशली बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको पूरी मिर्च दो तो पूरी मिर्च ख़राब होती है और अक्सर कर मिर्च जो है वेस्ट ही हो जाती है। तो मैंने ये आइडिया निकाला कि मैं इस तरीके से काट कर अचार डालूंगी। इस तरीके से अचार डालने से अचार वेस्ट भी नहीं होता है और काफ़ी टेस्टी बनता है, प्रोसेस भी बहुत ईजी है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ इसका क्या प्रोसेस है। ये देखिए, ये हमने मिर्चें काट ली हैं, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से करके जो इनकी सीड हैं वो बाहर निकालेंगे। सारे सीड जो हैं इसमें से निकल जाएंगे तो इनमें झाल कम रह जाएगा। और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो लोग मिर्च कम खाते हैं और मिर्च खाने का शौक़ भी रखते हैं, उनके लिए ये अचार बहुत अच्छा रहेगा। हमने पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। अब ये हम अपनी कटी हुई हरी मिर्चों को इसमें डालेंगे। ये देखिए, सारी सीड्स इसके अंदर रह गए। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। मिर्चों को हम लगातार चलाते रहेंगे और सॉफ्ट होने तक, हल्का सा सॉफ्ट करना है, इसका कच्चापन ख़त्म ना हो पाए, क्योंकि हम इंस्टेंट अचार बना रहे हैं और सर्दियों में धूप तो मिलती नहीं है, ताकि जल्दी से ये हमें खाने को मिले। ये हमारी मिर्चें सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इन सारी मिर्चों को एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि मसाला मिक्स कर सकें। अब इस मिर्च में हम डालेंगे कम से कम 2 टेबल स्पून सौंफ के। एक टेबल स्पून का पिसी हुई सरसों, 1.5 चम्मच के करीब भर के सफ़ेद नमक, हल्दी, चुटकी भर के करीब लाल मिर्च टेस्ट के लिए, 1/2 चम्मच काला नमक, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच सिरका डालेंगे। सिरका हम कम ही रखेंगे क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता है अचार खट्टा हो जाता है। ये हमारा अचार तैयार हो गया है और ये 2 दिन बाद खाने के लायक हो जाएगा। इसे आप अचार के, पराठों के साथ, पूरी के साथ, नाश्ते में, लंच में, सब तरीके से खा सकते हैं। तो हमारा अचार, मिर्च का अचार तैयार हो चुका है और इसमें हमने देखिए थोड़ा सा सरसों का तेल ऊपर से डाल दिया है। आप लोग भी सरसों का तेल 2 चम्मच के करीब ज़रूर डालें, नहीं तो अचार जल्दी ख़राब हो जाता है।